हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति का दूसरा भाग आप लोगों के सामने लाया हूं। तो पहला भाग मैंने इसके पहले के वाले वीडियो में मैंने बना चुका हूं। आप लोग उसको अगर नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ इसे। तो मैं वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति, मैंने ये पहले वीडियो में तो बता ही चुका हूँ इसके विषय में। अब मैं आगे चलता हूँ। अब इसी उसी पाठ का ये वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, मैं अगली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं इसका संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा कि जो ये वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण की उत्पत्ति कब और किसने किस तरीके से किया, किसने कब और किस तरीके से किया। पहले वैज्ञानिकों के नज़र में और जो भी महान लोग होते थे, विचारक लोग, उनकी नज़र में ये वर्गीकरण क्या हुआ करता था। ठीक, तो अब पहला है वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक, अब ये ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये जो था, अब वैज्ञानिकों का क्या विचार है इसके प्रति, अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले के वैज्ञानिक, यानी इसमें कह रहा है पहले के वैज्ञानिक या विचारक, यानी वैज्ञानिक या विचारक जो होते थे, उनके मन में यही आता था कि भाई एनिमल को किस तरीके से बांटा जाए, प्लांट को किस तरीके से बांटा जाए। तो उन लोगों ने अपना विचार ये रखा, वो जंतु को उनके आधार पर बांटते थे। वो मतलब कि वैज्ञानिक और विचारक, वो मतलब होता है कि वैज्ञानिक और जो विचारक है, वो जंतु को उनके आधार पर बांटते थे। अब आधार मतलब यही होता, कुछ भी चीज़ उसके अंदर जब लक्षण देखते थे तो उसके हिसाब से वो लोग बांट देते थे, यही उसके आधार हो जाता था। कि जैसे, अब इनके बताया जा रहा है जैसे, अब वो आधार क्या क्या लेते थे उसके विषय में कह रहे हैं। जैसे में क्या आता है, घातक। तो इसमें घातक, अब ये देखते थे कि जो जंतु होता था वो घातक होता है या नहीं घातक था। मतलब घातक वो होते हैं जैसे जो, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, और उसके बाद हो गया लोमड़ी हो गए, ये सब जो जानवर होते थे ना, वो सीधे अटैक कर देते थे जो छोटे जानवर होते थे, तो उसको अटैक कर देते थे, यानी कि उसको आक्रमणकारी होते थे और उसको अटैक करके उसको नष्ट करके मार के खा जाते थे। उसके बाद एक ऐसे भी जंतु होते थे जो आघातक होते थे। आघातक मतलब वो घात नहीं पहुँचाते, आराम से अपना घास को और फूस को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। जैसे हो गया बकरी, हो गया गाय, हो गया भैंस, हो गया, ये सभी जो जानवर होते थे ना, ये सब आघातक है। तो उनको देखा और इनको देखा, इन दोनों में असमानता नज़र आई। उसके बाद उड़ने वाले और न उड़ने वाले पंछी। अब उड़ने वाले में जैसे पंछियों में क्या हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, कौवा हो गया, गौरैया हो गया, मेम, ठीक, ये सभी, इन सभी को क्या किया, उड़ने वालों में उनका अलग एक, उनको अलग वर्ग में, श्रेणी में रखते थे। और न उड़ने वाले जैसे क्या हो गया कि शुतुरमुर्ग होता है, और उसके बाद दोनों पक्षी होता है, उसके बाद कीवी एक नाम का पक्षी होता है, वो पक्षी, तो एमू एक पक्षी है, एमू, वो जो पक्षी होते थे उन पक्षियों को अलग रख देते क्योंकि उड़ नहीं पाते थे, उनको अलग कर दिया। और उसके बाद भक्ष, अभक्ष, यानी कि जो भक्षी हुआ करते थे और जो अभक्षी हुआ करते थे, नहीं बच्चियों में क्या, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, कई दिनों तक अपना जीवन यापन कर लेते हैं अच्छे से, तो भक्षी अभक्षी का था। उसके लाभकारी और हानिकारक आदि, यानी कि वो किस तरीके से हमारे आपके जीवन में उपयोगी है और किस तरीके से उपयोगी नहीं है, इसको भी देखते थे। जैसे लाभकारी में क्या है कि गाय है, भैंस है, बकरी है, और उसके बाद भेड़ है, इन सब के हमारे आप के जीवन में बहुत फ़ायदा होता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलती है, तो ये लाभकारी हो गए। और कुछ जानवर ऐसे जो हानिकारक होते थे ना, तो उनको कुछ नहीं करते थे। अब भाई प्लांट भी होते हैं हानिकारक होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे ये राइजोपस है, ये हमारे आपके लिए बहुत नुकसानदेह, लेकिन ईस्ट है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसी तरीके हानिकारक और उसके बाद फ़ायदेमंद यानी लाभकारी, इन सबको भी देख करके वो क्या करते थे। अब उसके विषय में जिक्र करते हैं प्रसिद्ध दार्शनिक, ठीक, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक, ठीक, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक। अब ये जो ग्रीक दार्शनिक हुआ करते थे, वैज्ञानिक अरस्तु, ठीक, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक अरस्तु क्या करते हैं, वो अपने समय में, यानी कि वो अपने समय में कब, यानी कि 384 BC से लेकर के 384 BC से 322 BC तक, इसके बीच में वो क्या करते हैं कि उस समय में जंतुओं को केवल दृश्य और समानताओं, यानी कि जो दृश्य, यानी दृश्य यानी देख सके, दृश्य का मतलब देख करके
उसके आधार पर जंतुओं को क्या करते थे कि उनके अंदर जब दृश्य देखते थे समानता और विषमता कि इनके अंदर क्या किस अंग का समानता है और किस अंग का विषमता है, यानी कि कौन से पार्ट, कौन से अंग, कौन से भाग इससे मिल रहा है, कौन से भाग और कौन से अंग इससे नहीं मिल रहा है। इसके आधार पर फिर क्या किया गया, जंतुओं को उन्होंने क्या किया कि दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक, आधार पर दो भागों में, यानी समानता विषमता के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। लेकिन अब वो जो भाग था वो क्या था? प्रमुख समूह, वो समूह था, क्या था? समूह। उनको समूहों में बांटा, यानी ग्रुप, इंग्लिश में इसको समूह को ग्रुप ग्रुप कहा जाता है। तो उसमें क्या किया? वर्गीकृत किया, ठीक, क्या किया? वर्गीकृत किया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि अब उनके जो दो समूह होते हैं, समूह को क्या करते हैं कि समूह को फिर वो वर्गीकृत करते हैं। उनका जो दो समूह थे एनाइमा, ठीक, उनके पहले ग्रुप का नाम हुआ था एनाइमा। उस ग्रुप में क्या होता है, वे जंतु जिनमें लाल रुधिराणु नहीं होते थे, जिनमें लाल रुधिराणु नहीं होते थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनमें लाल रुधिराणु नहीं, यानी कि आरबीसी नहीं होते थे, जैसे हो गया स्पंज, नाइडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि, ठीक। ये जो होते थे इनके अंदर क्या होते हैं, ये जैसे स्पंज हो गए और नाइडेरिया हो गया और उसके बाद मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये जो एनिमल होते हैं ना, यानी जानवर होते हैं, इनमें क्या होता है कि आरबीसी नहीं पाए जाते। तो इनमें आरबीसी ना होने की, नहीं कि आरबीसीएस का पूरा मतलब क्या होता है, आर से होता है रेड, बी से होता है ब्लड और सी से होता है कार्पसल, यानी कि रेड, ठीक, रेड ब्लड, ठीक, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक, कार्पोसेल्स, ठीक। अब ये रेड ब्लड यानी रेड मतलब लाल रुधिर कणिका, ठीक, ये लाल रुधिर कणिका जो होता है ये सभी क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद होती है कि एनाइमा, ठीक, अब ये क्या है एनाइमा, अब एनाइमा यानी कि दूसरा वर्ग है, यानी कि इनका जो पहला वर्ग था क्या था, एनाइमा था। अब उसके बाद एनाइमा, ठीक, एनाइमा, ठीक, एनाइमा, इनाइमा, इन दोनों में क्या है कि ए और ई का फर्क है, ए और ई का फर्क है। ये एनाइमा था, ये इनाइमा है, ये क्या है एनाइमा और ये क्या है, नहीं सॉरी, ये एनाइमा है, ये इनाइमा है। तो इनमें क्या होता है कि अब इस वाले में वे जंतु जिनमें लाल रुधिराणु होते हैं, इसमें क्या था नहीं होते हैं, और इसमें क्या है होते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे क्या है, इनमें सभी कशेरुकी, अब ये कशेरुकी की बात आ रहा है, इसमें कह रहा है कि सभी अकशेरुकी हैं। अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी, ये दिखता है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको कशेरुकी, यानी कि जो कशेरुकी जीव होते हैं वर्टिब्रेट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिब्रेट जीव एनिमल। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल होते थे इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जो इनवर्टिब्रेट होते हैं यानी कि अकशेरुकी होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, उनमें नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड ये सब अब्सेंट होते हैं। किनमें? इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी जंतुओं में क्या होता है, अब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, यानी कि जो कशेरुकी है वर्टिब्रेट उसमें होता है, ठीक। अब इसको क्या है, कशेरुकी जंतु को सम्मिलित किए और इनको क्या किए, दो उपसमूहों में बांटा। अब किसको उपसमूहों में, यानी कि जो इनाइमा है, क्या है, इनाइमा है, इसको दो उपसमूहों में बांटा। ये तो दोनों समूह थे, ये और ये क्या है, ये दोनों समूह हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, इनको दो उपसमूहों में बांटते हैं। तो पहला उपसमूह क्या होता है, जरायुज, क्या है, जरायुज, जरा यानी कि वीवी पैरा। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, वीवी पैरा, और हिंदी में क्या कहा जाता है, जरायुज। अब जरायुज का मतलब होता है क्या, ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हों, ऐसे एनिमल यानी कि जो यानी कि बच्चे को जन्म देते हों वो क्या कहलाते हैं, वीवी पैरा, ठीक, उनको क्या कहा जाता है, वीवी पैरा, ठीक। अब जैसे में क्या है, मनुष्य हो गया, पशु हो गया और स्तनधारी। कुछ पशु ऐसे भी होते हैं कि जो अंडे देते हैं, यानी कि वो स्तनधारी नहीं होते। अब जैसे एक कबूतर हो गया, कबूतर भी क्या है, एक अपसेक्शन में रखा जाता है। कबूतर अंडे देते हुए भी स्तनधारी है, कबूतर अंडे देते हुए में भी क्या है, स्तनधारी है। क्यों स्तनधारी है, इसलिए कि वो उसके क्या था, अपने बच्चों को अपने माउथ के जरिए मिल्क पिलाता है, यानी दूध पिलाता है, तो वो क्या है, स्तनधारी। क्योंकि उसके अंदर, अगर इसका मतलब ये है कि मैमलरी ग्लैंड, यानी कि जो उसका मेन पहचान होता है स्तनधारियों का, वह मैमलरी ग्लैंड से होता है।
तो उनमें था ये चीज, उनको नहीं पता था, तो उनको ने फिर भी आज के नए मॉडर्न के साइंटिस्टों ने इसको क्लासिफाइड किया है। तो ये हो गया इसकी पहचान, यानी कि ओवी पैरा का। उसके बाद आता है कि यानी कि सॉरी वीवी पैरा का। अब ये आता है कि ओवी पैरा यानी कि अंडयूज। अब ये जो अंडयूज होते हैं, अंडयूज यानी इसके शब्दों से पता चल रहा है, अंडयूज ऐसे ऐसे जानवर यानी ऐसे जंतु जिनकी जो अंडे को यानी अंडे देते हों, जो क्या करते हों, ऐसे जंतु जो अंडे देते हों, अंडे देने वाले जंतु। कुल मिला के ये कह लिया जाए कि ऐसे जंतु जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंडयूज यानी ओवी पैरा, अंडे देने वाले। ठीक, अब जैसे में क्या होता है, मछली हो गया, उभयचर, सांप, अन्य, ठीक, अन्य सरीसृप और पक्षी। ठीक, मछली, ये जो होता है मछली होते हैं, कुछ मछलियां छोड़ करके जैसे स्कॉलियोडॉन और उसके बाद नील व्हेल मछली, इन सब को छोड़ करके बहुत से ऐसे इन कुछ ऐसे भी मछलियां जिनको छोड़ करके बाकी और मछलियां जो होती है वो अंडे देती हैं, यानी कि कशेरुकी हैं। क्या है, कशेरुकी हैं, बट वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। तो वो क्या हो जा रही हैं, ओवी पैरा हो जा रही है। उसके बाद उभयचर, उभयचर में ऐसे जो होते हैं कि जो जल में और स्थल पे दोनों जगहों पे पाए जाते, जल और स्थल दोनों जगहों पे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर। अब उभयचर में जैसे आ जाता है मेढक। मेढक क्या करता है कि वो उसके में भी पाया जाता है और उसमें भी पाया जाता है, यानी कि उभयचर हो जाता है। ठीक, ये भी अंडे देते हैं, ये भी जीव क्या करते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। उसके बाद आता है सांप। ठीक, अब ये जो सांप है, सांप भी अंडा देता है। ठीक, आज तक कोई ऐसा सांप नहीं मिला है कि जो बच्चे देते हों, लेकिन सांप सबसे ज़्यादा अंडे देने वाले ही आज तक पाए गए हैं। ठीक, अब ये सांप क्या है, वो अपने एक सतह पर चिपक करके रंगते हुए चला जाता है। ठीक, तो ये सांप भी क्या होते हैं, यानी कि ओवी पैरे होते हैं। और उसके बाद सरीसृप, क्या आता है, सरीसृप। सरीसृप में क्या होते हैं, रेंगने वाले जंतु, यानी कि पाद के बल पे, यानी कि पैरों के बल पर वो क्या होते हैं, रेंगते हुए जमीन को पकड़ कर चलते हुए, तो वो सरीसृप कहलाए। और उसके बाद आता है पक्षी। पक्षी में कुछ पक्षियाँ छोड़ करके, जैसे एक चमगादड़ है, चमगादड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि चमगादड़ जो है स्तनधारी में आता है। ठीक, वो बच्चे को पैदा, यानी कि डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देता है। और एक कबूतर है, कबूतर तो अंडा देता है, वो पक्षी में आता है, लेकिन वो स्तनधारी में भी रखा गया है, क्योंकि वो अपसेक्शन अपवाद है। और उसके बाद ये पक्षी हैं, वो भी क्या है, अंडे देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो अब उसके आगे चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आता, आपको जहाँ नहीं समझ में आता है, वो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को आपको दूर कर देंगे। उसके बाद आगे वैज्ञानिक अरस्तु, यानी वैज्ञानिक अरस्तु के 2000 साल बाद, कितने हज़ार साल बाद कर रहा है, यानी कि 2000 साल बाद की कह रहा है कि जब अरस्तु, अब भाई अरस्तु कब हुए हैं, अरस्तु का जन्म होता है 384 BC में। कब होती है, 384 BC में, यानी कि अपने समय में, जब यहाँ पे सिकंदर अपने इस देश पे आक्रमण किया था ना, उस समय बहुत पहले, तो उस समय इनमें क्या हो, इन दोनों यानी कि 384 से लेकर 322 BC के मध्य में ही, अब ये इन बता रहे हैं भैया, अब वो तो मर गए हैं, लेकिन क्या है ना, 17वीं सदी में, क्यों, उनके 2000 साल बाद, यानी कि 17वीं सदी में, अब इनकी पुनः यानी वर्गीकरण के पुनः विषय में पुनः जिक्र फिर हो रहा है। उतने यानी 2000 साल तक इसको स्टॉप था। अब कहाँ रुकी थी, किस तरीके से रुकी थी, क्या समस्या थी, ये तो इसके विषय में और स्टडी करता है, करने बनता है। तो आप लोगों की अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। तो 17वीं सदी में क्या होता है कि वैज्ञानिक जानरे, कौन से वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक जानरे आते हैं। वैज्ञानिक जानरे ने क्या किया था कि सन 1693 ईस्वी में, वैज्ञानिक जानरे ने 1693 ईस्वी में जाति शब्द, कौन से शब्द, जाति शब्द दिए। ठीक, अब एक बात और आती है, आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो ये होते हैं एनिमल के और प्लांट के होते हैं, उनमें क्या होता है, जीनस और स्पीसीज, यानी कि वंश और जाति होते हैं। अब ये जो जाति हमको पढ़ने को मिलते हैं वो किसकी देन है, वो जाति शब्द देन है जानरे का, किसकी देन है, वैज्ञानिक जानरे का। और उन्होंने कब दिया था, 1693 ईस्वी में, कितने सन में, 1693। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जाति शब्द किसने प्रतिपादित किया, एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से समझते रहना कि ये अक्सर पूछा जाता है कि जाति शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो जाति शब्द वैज्ञानिक जानरे ने प्रतिपादित किया, किसने, जानरे, और कब किए थे, 1693 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे, इसको भी जानते रहना, क्योंकि सन भी कभी कभार पूछ लेता है। और उसके बाद आती है, और
कैरोलस लीनियस ने, किसने, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस 1735 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं, अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, और कब लिखते हैं 1735 में, और उनके पुस्तक का नाम क्या है, उनके पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक, उनके पुस्तक का क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। तो उस किताब में वो क्या करते हैं कि उसके 10वें संस्करण में, कब, कौन से संस्करण में, 10वें संस्करण, और उनके 10वां संस्करण कब प्रतिपादित होती है, 1758 ईस्वी में, कब होती है, 1758 ईस्वी में, जब वो 10वां संस्करण प्रतिपादित कर, मतलब कि प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने 4236 यानी कि 4236 जातियों का वर्गीकरण किए थे, कितने, 4236 जातियों का वर्गीकरण किए थे, कौन किए थे, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने, और अपनी कौन सी बुक में किए थे, सिस्टेमा नेचुरी शब्द में किए थे, किस में किए थे, सिस्टेमा नेचुरी बुक में किए थे। तो ठीक, अब यहाँ पे इतने, लेकिन कभी कभी एक बात और याद रखना विद्यार्थियों, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखा था, यानी कि वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किस किताब को लिखा, तो उनकी किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ये भी एग्जाम में बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अभी कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने 4236 जातियों का जो वर्णन किए हैं वो किस सन में, और उसके बाद किस, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी किस 10वें संस्करण में किए थे, ये भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो 10वें संस्करण में किए थे, कौन से, 10वें संस्करण में, और 1758 में किए थे। उसके बाद आती है बात कि जाति का वर्गीकरण किए, और उसके बाद क्या है, आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी, ठीक। अब इनकी वजह से, यानी कैरोलस लीनियस की वजह से, इन्हीं की वजह से जब ये सिस्टेमा नेचुरिस नाम की किताब लिख दी है ना, इसी वजह से क्या हुई, आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी है। इसके पहले क्या थी कि आधुनिक वर्गीकरण का नींव नहीं पड़ा था, तो ये ऐसे ही चली आ रही थी, इसी को लोग मानते चले आ रहे थे, क्योंकि अरस्तु के समय के बाद वो भाई बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, विचारक हुआ करते थे, ठीक। उनके बाद ही कैरोलस लीनियस ने इसका नींव रखा, मतलब कि वर्गीकरण का, इसीलिए तो उनको, अब वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, यानी कि जो कैरोलस लीनियस है, जो जातियों के नाम के लिए द्विनाम पद्धति बनाई। अब एक बात और है यहाँ पे, एक और समझने वाली बात है कि जो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस है, उन्होंने क्या किया, द्विनाम पद्धति बनाई, कौन सी पद्धति बनाई, द्विनाम पद्धति। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया, तो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किए थे, ठीक। अब द्विनाम पद्धति में क्या होता है, द्विनाम, ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है कि द्विनाम में क्या होता था, एक नाम और, यानी कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, यानी कि जीनस और स्पीसीज, यही जीनस पहला नाम हो गया और स्पीसीज जो होता था वो दूसरा नाम होना होता था, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉडर्न ऑफ, ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या, इन्हें द्विनाम पद्धति भी दी, किताब भी लिखी और खूब बढ़िया से वर्णन, यानी कि क्लासिफाइड भी करते हैं। अब इनमें जो भी अशुद्धियाँ होती थी और भी आधुनिक जो वैज्ञानिक होते हैं उसको सुधार करते हैं। मैं इसको अगले वाले वीडियो में आपको पार्ट 3 वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से वैज्ञानिक कब कब इनमें वर्गीकरण में क्या क्या सुधार करते हैं, तो आप लोग टेंशन, यानी कि चिंता ना करिएगा। उसके बाद आती है मैनोट में, इसमें क्या, वर्गीकरण की, वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक, सबसे छोटी इकाई जाति है, क्या है, जाति। अब ये जाति जो शब्द वैज्ञानिक जानवर ने दिए थे ना, वही सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि अब ये छोटी इकाई कैसे है, जैसे हम लोग क्या है कि ये पूरा शरीर है, ये ह्यूमन होमो सैपियंस सैपियंस की पूरी बॉडी है, तो इसको हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, किसको कहा जाता है, सेल को हम लोग सबसे छोटी इकाई कहा जाता है ना, लाइफ की, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। तो इसी तरीके से क्या है, अब देखिए जरा किंगडम, ठीक, अब जो किंगडम है, ठीक, अब ठीक, अब यहाँ पे किंगडम, ठीक, अब ये जो किंगडम है, किंगडम के बाद आती है फाइलम, किंगडम के बाद आती है फाइलम, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आती है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है जीनस, ठीक, जीनस के बाद आती है स्पीसीज, ठीक। अब ये जो स्पीसीज है, ठीक, ये सबसे छोटी हमारी इकाई है, क्या है, जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज ही सबसे छोटी इकाई है, ये तो सबसे ऊपरी है, उसके बाद दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर और छठवें नंबर। इसमें एक और होता है कि यहाँ पे जो है क्लास है, और क्लास और ऑर्डर के बीच में यहाँ पे फैमिली डाली जाती है, क्या डाली जाती है, फैमिली होती है, तो इसमें पूर्व सात में किया जाता है। इसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक।
उसके बाद क्या होती है, ये यहाँ तक ये पूरा संक्षिप्त मैंने इसका वर्णन कर दिया। आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की ये पूरा आशा के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो सब लोगों को मेरा नमस्कार।